हाय, मेरा नाम कल्पजा कामदार है और मैं एक डॉग ट्रेनर हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पांच चीज़ें जो मैंने सीखी एक डॉग ट्रेनर बनने के बाद। पहली, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। बहुत टफ वर्ड है, लेकिन इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि हम अपने डॉग्स को इंसान समझ बैठते हैं और उनमें इंसानों वाली आदतें डालने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। हमारे डॉग्स को डॉग्स ही रहना पसंद है, तो रहने देते हैं उनको डॉग्स। दूसरा, डॉग्स का प्यार खुदगर्जी होता है, वो अनकंडीशनल नहीं होता। हर डॉग आपके पास एक रीज़न से आता है, या तो उसको खाना चाहिए, या तो उसको प्यार चाहिए, या तो उसको गेम्स चाहिए, कुछ तो चाहिए आपसे, तो डेफिनेटली वो प्यार तो अनकंडीशनल नहीं हुआ ना। तीसरा, सबसे खराब डॉग जोड़ी जो आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। पहले माँ और बेटी, दूसरी फादर और सन, तीसरी दो भाई और चौथी दो बहनें। ये जोड़ियाँ घर में अच्छे से नहीं रह पाती और ज़्यादातर उनमें बहुत झगड़े होते हैं, कभी कभी अग्रेशन भी हो सकता है। चौथी बात, एक डॉग ट्रेनर को बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि हर डॉग एक ही तरीके से सीखे ऐसा ज़रूरी नहीं। उनको अलग अलग तरीक़ों से सिखाना और अलग अलग तरीक़ों से आपकी ओर आकर्षित करना, वो आपका काम है, डॉग का नहीं। और पांचवी बात, ग्रूमिंग और हैंडलिंग। एक डॉग को आप जितने, एक पपी जब से पपी आता है, जितने ज़्यादा हाथ उसको हैंडल करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा आपको भी रहेगा और आपके पपी को भी रहेगा। जितने ज़्यादा हाथ उसके आँख, उसके मुंह, उसके कान, उसकी पूरी बॉडी पे छुए, वो बेस्ट है। क्योंकि कभी अगर आपको डॉग को वेट के पास लेके जाना पड़े, तो आप वेट को भी डॉग को संभालने में आसानी होगी। कभी कोई दवाई मुंह में डालनी हो तो आप उसका मुंह खोल सकते हो, क्योंकि आप पहले से ऐसे करते आए हो। और कभी सिर्फ एक ही इंसान अगर करे और अगर वो तब वहाँ पे ना हो, तो फिर डॉग तो वो दवाई खाएगा ही नहीं। तो अगर घर में पांच जन हैं, तो पांचों पांच को डॉग को टच करना चाहिए हर जगह, और अच्छे से, प्यार से, धीरे से डॉग को हैंडल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। आई होप आपको ये सुनने में मज़ा आया हो।